क्या करना है कि जेलेटिन लेनी है और उसे पानी में हम लोगों ने स्वेल होने के लिए यानी कि ब्लूम होने के लिए रख देना है। तो एक बाउल में मैंने ऐड कर दी है जेलेटिन, इसके साथ साथ इसमें ऐड कर दूंगी मैं ठंडा पानी। ठंडा पानी आप लोगों ने डाल के तो इसको आप लोगों ने 3 से 4 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए साइड पर रख देना है। तब तक के लिए ये फूल जाएगी, स्वेल हो जाएगी, ब्लूम हो जाएगी। तो इसे हम लोग 5 मिनट के लिए साइड पर रख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक सॉस पैन, इसमें ऐड कर दिया है मैंने दूध। दूध रूम टेम्परेचर का है। दूध के साथ साथ मैंने इसमें ऐड कर दी है क्रीम। क्रीम मैंने यूज़ की है अनस्वीटन, यानी कि ये मीठी क्रीम नहीं है, टेट्रापैक की क्रीम है और ये व्हिपिंग क्रीम भी नहीं है। आप लोग व्हिपिंग क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि मीठी होती है। अगर आप लोग व्हिप क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि स्वीटन होती है यानी कि मीठी होती है, तो आप लोगों ने चीनी को बहुत ही एहतियात से ऐड करना है। तो यहाँ मैं यूज़ करने जा रही हूँ 1/4 कप चीनी, क्योंकि मेरी क्रीम जो है वो मीठी नहीं है। अगर आप लोगों की क्रीम मीठी है तो आप लोग 2 टेबलस्पून जितनी चीनी ऐड कीजिएगा। अब इस मिक्सचर को आप लोगों ने बॉयल नहीं आने देना है, आप लोगों ने इसको तब तक पकाना है जब चीनी डिज़ोल्व हो जाएगी। आँच आप लोग देख लें कि बहुत ही ज़्यादा स्लो है, और मैं आप लोगों को बता दूंगी कि साइड्स पे जब इसके बबल्स आने लग जाएंगे तब तक आपने इसको पकाना है। उसको हम लोग स्कैल्डिंग भी कहते हैं। तो इसके साइड्स पे बबल आने लग जाएंगे, फुल बॉयल आप लोगों ने इसको नहीं देना। इस तरह से जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि साइड्स पे अब इसके बबल्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे अब आप लोगों ने फ्लेम को कर देना है ऑफ़, यानी कि आंच बंद कर देनी है। 5 से 6 मिनट के लिए आप इस मिक्सर को करेंगे रूम टेम्परेचर पे हल्का सा ठंडा। तो बेसिकली जो ओरिजिनल पैनाकोटा की रेसिपी है उसमें दूध का इस्तेमाल नहीं होता। पैनाकोटा का असल मतलब होता है कुक्ड क्रीम। तो इटालियन रेसिपी है ये, उसमें वो दूध का इस्तेमाल या किसी और चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते हैं। दे डोंट यूज़ एनी अदर थिंग बट वी आर यूजिंग मिल्क, क्योंकि हम लोगों ने अपना वर्जन भी तो दिखाना होता है ना। तो अब इसके अंदर हम लोगों ने ब्लूम्ड जेलेटिन डाल दी है, यानी कि जो स्वेल की थी जेलेटिन पानी में डिजॉल्व की थी वो डाल दी। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम लोगों ने क्या करना है कि इसके अंदर ऐड करना है हम लोगों ने वैनिला एसेंस, जो कि गुड क्वालिटी का इस्तेमाल करें आप लोग तो अच्छा होगा, फ्लेवर उतना ही अच्छा होगा। तो वैनिला एसेंस भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, और अच्छी तरह से इसको मिक्स करें। अगर आपको लगे कि आपके मिक्सचर को छानने की ज़रूरत है तो आप लोग बिल्कुल इसको स्ट्रेन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किए हैं शॉट ग्लासेस, आप लोग कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को 3 शॉट ग्लासेस नज़र आ रहे हैं, तो बेसिकली मैंने 3 नहीं बनाए, मैंने 2 बनाए हैं। मेरे पास शॉट ग्लासेस स्मॉल वाले नहीं थे, यही वाला साइज़ था, तो मुझे 3 में ज़रा थोड़ा कम लगा, तो मैंने 3 से हटा के इसको 2 में बना लिया। अगर आप लोगों के पास शॉर्ट ग्लासेस हैं तो 3 से 4 ही ईजीली आपके बन जाएंगे। यहाँ पे मैंने मिक्सचर को कर दिया है 2 ग्लासेस में डिवाइड, और इक्वली डिवाइड किया है मैंने इसको। ये पैनाकोटा का जो मिक्सचर है इसको मैंने इक्वली 2 ग्लासेस में डिवाइड कर दिया है। एक मैंने आप लोगों के लिए डीमोल्ड भी करना है पैनाकोटा को, तो उसके लिए एक छोटा सा मैंने मोल्ड स्टील का इस्तेमाल किया है, कुछ इस तरह सा का मोल्ड है, इसको मैंने इस्तेमाल किया है। डोंट वरी, ये गंदा नहीं है, ये स्टील का होता है, ये ऐसे ही होता है तो ये गंदा नहीं है। तो इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ ये पैनाकोटा का मिक्सचर, और 3 इस तरह के मेरे बन गए थे। तो क्योंकि मेरे पास शॉट ग्लासेस छोटे वाले नहीं थे तो मैंने 3 ये वाले बना लिए हैं। अब हम इनको सेट करने रख देंगे फ्रिज में। फ्रिज में ये अच्छे सेट होंगे। 4 घंटे इसको लग गए थे, क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर गर्मियाँ चल रही हैं, तो इनको अब हम लोग फ्रिज में रख देंगे। और अब आप लोग देख सकते हैं कि पैनाकोटा कम्प्लीटली ज़बरदस्त से हमारे जो हैं वो सेट हो चुके हैं। आप लोगों ने मेरी फेल्ड रेसिपी शायद देखी है, तो उसमें क्या हाल हुआ था। तो ये है जी असल वाली रेसिपी, और इम्प्रूव्ड रेसिपी आप इसको कह सकते हैं। तो ये अच्छी तरह से सेट हो चुका है, जम चुका है। और अब मैं क्या करूँगी कि इसको मैं डीमोल्ड कर लूँगी आप लोगों के सामने। एक प्लेट लूँगी और इसकी साइड्स को यूजिंग अ नाइफ मैं इसको लूजन अप कर लूँगी, ताकि ये ईजिली बाहर आ जाए। इस तरह से इसको रखेंगे और टैप 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 करेंगे तो ये इजीली जो है हमारा डीमोल्ड हो जाएगा। और आप लोग देख सकते हैं कितना ये अच्छा सा और जिगली सा वॉबली सा हमारा पैनाकोटा है। आप लोग देख सकते हैं कितना ये स्टिफ है, फर्म है। तो ये थी मेरी जो असल वाली इम्प्रूव्ड रेसिपी, जो कि फ़ेल हो चुकी थी। तो आप लोगों के सामने इम्प्रूव्ड रेसिपी भी मैंने तैयार कर दी।
तो ये हो गया तैयार, इसको कर देते हैं साइड पे, दोबारा से फ्रिज में रख देंगे। तब तक तैयार कर लेंगे मैंगो की प्यूरी का मिक्सचर। इसके लिए हमें चाहिए होगी मैंगो प्यूरी 1 कप, क्योंकि हम लोग बना रहे हैं मैंगो पैनाकोटा, तो ऑफ कोर्स विल नीड मैंगोज। उसकी मैंने प्यूरी बना ली थी, सिंपली ब्लेंडर में ब्लेंड करके प्यूरी को छान लिया था। तो हमें चाहिए होगी 1 कप मैंगो प्यूरी, थोड़ी सी मैंने बचा ली। क्यों बचाई मैं आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पर मैंने ली 1/2 टेबल स्पून जेलेटिन, उसको डिजॉल्व कर लिया था 2 टेबल स्पून गर्म पानी में। इसको मैंने डिजॉल्व किया है गर्म पानी में। पहले मैंने इसको मैंने स्वेल किया था ठंडे पानी में, अब मैंने जो मैंगो प्यूरी के अंदर ऐड किया है इसको मैंने डिजॉल्व किया है गर्म पानी में। मैंगो प्यूरी के अंदर जेलेटिन ऐड कर दी है और अच्छी तरह से इसको कर लूँगी मिक्स। थोड़ी सी प्यूरी मैंने बचा ली थी, वो मैंने क्यों बचाई थी मैं आपको आगे जाकर बताती हूँ। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और ये जो ग्लासेस वाले पैनाकोटा सेट हो चुके थे इसके ऊपर मैं ये पोर कर दूंगी अपनी मैंगो प्यूरी, जिसके अंदर हम लोगों ने डाला था जेलेटिन। जेलेटिन डालने से ये होगा कि अच्छे से सेट हो जाएगी और बहुत ही इसका प्यारा एंड रिज़ल्ट होगा। तो हल्का सा इसको टैप कर दें ताकि ये इवन हो जाए, स्प्रेड हो जाए। तो दोनों में मैंने इसको इक्वली डिवाइड कर दिया है, पोर कर दिया है। और अब हम इसको दोबारा सेट होने रख देंगे। ये वाली लेयर जो है ये जल्दी सेट हो जाएगी, लाइक 30 मिनट्स में हो जाएगी। अब जो प्यूरी मैंने बचाई थी थोड़ी सी आप लोगों के सामने, ये जेलेटिन वाली नहीं है, ये दूसरी है, नॉर्मल प्यूरी है मैंगो की। उसको साइड्स पे इस तरह से डाल दिया, ऊपर ये फ्रेश मिंट का मैंने स्प्रे एक रख दिया है ताकि ये खूबसूरत सा लगे। साइड पे मैं रख दूंगी मैंगो के क्यूब्स, और आप लोग देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत जिगली सा वॉबली सा ये लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा फर्म और स्मूथ और सॉफ्ट और सिल्की इसका टेक्सचर है। बहुत मज़े का पैनाकोटा बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो मैंने डीमोल्ड किया था पैनाकोटा आप लोगों के सामने, वो कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है, खूबसूरत भी बहुत लग रहा है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो ये थी आज की मैंगो पैनाकोटा की रेसिपी। ये ग्लासेस वाले भी सेट हो चुके थे, मैंने इस तरह से इसको डेकोरेट किया था, ऊपर क्यूब्स रख दिए थे मैंगो के और एक चेरी से मैंने इसको डेकोरेट कर दिया था। पुदीने के पत्तों को लंबाई में काटा और उसको मैंने इस तरह से डेकोरेशन में मैंने इस्तेमाल कर लिया। तो आज की रेसिपी हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी आज की रेसिपी। तो अगर रेसिपी अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे, इसे एक लाइक लाजमी दीजिएगा। चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हो, तो बहुत सारा थैंक यू। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कितना यहाँ पे ये सिल्की स्मूथ और रिच बना है। ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। और अगर आप रेसिपी ट्राई करें तो इसकी पिक्चर मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं आप लोगों से एक और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। को स्टार्ट करते हैं। तो चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए होंगी कैरीज, इस साइज़ की मैंने 3 यूज़ की हैं। इनको हम लोग अंबियाँ भी बोलते हैं, कच्चे आम होते हैं ये। तो मैं इनको पील कर लूँगी, पील करने के बाद मैं इसको लंबाई में मुझे इसको काटना है। आप लोग चाहें तो इसको क्यूब में भी काट सकते हैं। तो इसको मैं इस तरह से लंबाई में, जिस तरह हम लोग फ्रेंच फ्राइज काटते हैं उस तरह से मैं इसको काट लूँगी। ज़्यादा बारीक भी नहीं काटना और ज़्यादा मोटा भी आप लोगों को नहीं काटना है। तो इसी तरह से मैंने तमाम कैरीज को लंबाई में काट लिया है। और अब आप लोगों ने क्या करना है कि एक पैन ले लें, उसमें ऐड कर दें आप लोग ऑयल, 1 टेबल स्पून जितना हमें ऑयल चाहिए होगा। इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ मस्टर्ड सीड यानी कि राई दाना, और इसमें मैंने ऐड कर दी अजवाइन यानी कि कैरम सीड्स, और इसमें मैंने ऐड किया है ज़ीरा यानी कि क्यूमिन सीड्स, और इसमें मैंने ऐड कर दिए नाइजेला सीड्स यानी के कलौंजी, और इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं फेनल सीड्स यानी के सौंफ। इन तमाम चीज़ों को मैंने डाल दिया है और यहाँ पे मैं इसको तब तक सौटे करूँगी जब तक इसमें से अच्छी सी प्यारी सी खुशबू आने लग जाएगी। बहुत ही प्यारा सा इसका कलर हो जाएगा। आप लोगों ने इसको जलाना नहीं है, ज़ीरा बहुत जल्दी जल जाता है। तो आप लोगों ने आंच को यहाँ पे मीडियम रखना और इसको सॉटे कर लेना है। जब इसमें प्यारी सी खुशबू आने लग जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें हम लोग बाकी की जो चीज़ें हैं वो ऐड करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर ये प्यारा सा भुन चुका है, अब मैंने इसमें जो कैरीज मैंने काटी थी वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, और 1 से 2 मिनट के लिए मैं इस तरह से सॉटे कर लूँगी इसको ताकि कैरीज में अच्छे से इन सारे स्पाइसेस का जो है, जो रॉ स्पाइसेस हम लोगों ने डाले थे, साबुत मसाले डाले थे, कैरीज में अच्छे से इसका फ्लेवर आ जाए।
अब मैं इसमें क्या करूँगी, ऐड करूँगी रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर के साथ साथ इसमें मैं ऐड कर दूँगी टर्मरिक। इसमें कोई भी हम लोग किसी भी किस्म का फूड कलर या कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, ऑन इट्स ऑन इसका कलर इतना खूबसूरत होगा। तो यहाँ पे रेड चिली पाउडर टर्मरिक भी मैंने डाल दी है, मिक्स किया है अच्छे से मैंने इसको। यहाँ पे इसके अंदर ऐड करने जा रही हूँ मैं हाफ कप पानी लिया है मैंने, थोड़ा सा ज़्यादा भी लग सकता है, 3/4 कप तक आप लोग इसके अंदर पानी ऐड कर सकते हैं। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और इसको हम लोग ढक के 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे स्लो फ्लेम पर। 2 से 3 मिनट बाद आप लोग देखेंगे कैरी अच्छे से पक चुकी होगी, नरम हो जाएगी। तो आप लोगों ने जब कैरी इसको कट करना है तो ज़्यादा छोटा भी कट नहीं करना है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मशी सी हो जाएंगी, तो वो हमें नहीं चाहिए। यहाँ पे कैरी जो है कम्प्लीटली पक चुकी है और थोड़ा थोड़ा इसके अंदर पानी भी है। तो अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है गुड़। गुड़ आप लोग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अगर आपको खट्टी चाहिए तो आप लोग गुड़ कम डाल दें, अगर आपको थोड़ी सी मीठी साइड पे चाहिए, स्वीट साइड पे चाहिए, तो आप लोग थोड़ा सा गुड़ बढ़ा दें। गुड़ नहीं ऐड करना चाहते तो शुगर ऐड कर दें, लेकिन गुड़ से इसका टेक्सचर और इसका फ्लेवर वो ज़्यादा अच्छा आता है, तो आप लोग कोशिश करके गुड़ ऐड करें, वरना चीनी से भी ये अच्छी बन जाती है। तो गुड़ मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और अब मैं वेट करूँगी कि गुड़ जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। यहाँ पे हल्के हल्के से इसमें बबल्स आ रहे हैं, चटनी ऑलमोस्ट हमारी जो है वो गाढ़ी सी हो चुकी है, ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं करनी हमें। तो गुड़ थोड़ा सा जो नज़र आ रहा है वो भी आप इवेंचुअली इसके अंदर मेल्ट हो जाएगा। स्लो फ्लेम पर रखें ताकि गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए, चम्मच चलाते रहें ताकि ये नीचे ना लगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि चटनी जो है वो गाढ़ी हो गई है और गुड़ भी इसके अंदर कम्प्लीटली डिसॉल्व हो गया है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सॉल्ट और इसमें ऐड करूँगी मैं गरम मसाला और इसमें मैंने ऐड किया है चाट का मसाला और एंड पे मैं इसके अंदर ऐड करने जा रही हूँ काला नमक यानी कि रॉक सॉल्ट। ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं और चटनी की कंसिस्टेंसी आप लोग देख सकते हैं कि ना ये ज़्यादा गाढ़ी है ना ये ज़्यादा पतली है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे चूल्हा कर देना है ऑफ़ और इसको आप लोगों ने कम्प्लीटली ठंडा कर लेना है रूम टेम्परेचर पे। चटनी यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त सी तैयार हो गई है, इतनी ही कंसिस्टेंसी रखिएगा, इससे ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी है। इसको अच्छे से ठंडा कर लेंगे अब और ठंडा होने के बाद भी ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। तो आप लोगों ने देखा कि झटपट चटनी तैयार हो जाती है और अब इसे मैं एक बाउल में निकाल लूँगी। ठंडा होने के बाद इसकी ये कंसिस्टेंसी है, आप लोग देख सकते हैं। तो चटनी हमारी यहाँ पे हो चुकी है बिल्कुल तैयार, बहुत ही ज़बरदस्त ये पराठे वगैरह के साथ लगती है, बनाना बहुत ही आसान है, 10 मिनट्स में रेडी हो जाती है चटनी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, मुझे बताइएगा कैसी लगी आप लोगों को। वीडियो अच्छी लगे तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हो तो, बहुत सारा थैंक यू। वीडियो को देखने का बहुत सारा शुक्रिया। फिर मिलते हैं आप लोगों से एक और ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। एंड तक हम स्टार्ट करेंगे आज की अपनी रेसिपी को। तो इस तरह का आप लोगों ने लेना है एक जग या फिर पिचर, जो भी आप लोगों के पास हो। उसके अंदर मैंने ऐड किए हैं पुदीने के पत्ते, फ्रेश मिंट लीव्स। 8-10 पुदीने के पत्ते ले लिए, उनको धो लिया और इस तरह से मैंने उसको एक पिचर में या जग में डाल दिया। और एक नींबू का जूस यानी कि लेमन जूस मैंने इसके अंदर डाला। अब इसको मैं मडल कर दूँ। पहले भी मैं ये प्रोसीजर आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ मडल का, कि इस तरह से जो मडल जब हम करते हैं लेमन जूस और मिंट लीव्स को, तो मिंट लीव्स का जो फ्लेवर है वो बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। तो ये करना बहुत ज़रूरी है, बस आप लोगों ने अच्छे से इसको मडल करना है लेमन जूस और मिंट लीव्स को। तो ये मडल हो चुका है, इसके अंदर अब मैंने ऐड कर दी हैं लेमन स्लाइसेस। अगर आप लोग स्किप करना चाहें लेमन स्लाइसेस तो स्किप कर दें, मैंने दोनों जूस भी ऐड किया और स्लाइसेस भी ऐड करी हैं और स्लाइसेस को हल्का सा मैं मडल कर रही हूँ। अब मैंने इसके अंदर ऐड किया है एक कैन, मैंने लिया था स्पार्कलिंग सोडा का, जो ड्रिंकिंग वाइट वाटर आता है वो आप ले सकते हैं, आपका जो भी पसंद हो आप वो ले सकते हैं, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। बहुत ही मज़े का ये ड्रिंक बनता है, आप लोगों ने इस ड्रिंक को लाजमी ट्राई करना है,
बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। मैंने इसे मैंगो चिली लेमिनेट क्यों कहा है ये मैं आगे चल के आप लोगों को बताऊंगी। तो ये एक स्टेप हो चुका है हमारा बिल्कुल कंप्लीट। अब इसको मैं कर दूंगी साइड पे, इसको मैं रख दूंगी फ्रिज में। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैंने लिया है क्वार्टर टी स्पून मैंने रेड चिली पाउडर लिया और क्वार्टर टी स्पून सॉल्ट लिया। इन दोनों चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी। मैंने इसको मैंगो चिली लेमिनेट का नाम क्यों दिया, क्योंकि ग्लासेस की जो रिम है, जो एजेस हैं, उसको मैं इससे कोट करूँगी। अब आप लोग सोचेंगे कि ये इतना वियर्ड सा काम ये क्यों हम करें। तो आप लोगों ने जब इसको सर्व करना है तो ऑब्वियसली आप लोग इसको स्ट्रॉ के साथ सर्व करेंगे ना, तो इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला कि ये मैंने रिम्स जो हैं ग्लासेस की वो इस तरह से मैंने कोट की हैं चिली में इस तरह, तो ऐसा कोई मसला नहीं होने वाला। आप लोग इजीली स्टेप कर सकते, बस ये खूबसूरती और प्रेजेंटेबल बनाने के लिए। तो ग्लासेस की एजेस को पहले मैंने लेमन जूस हल्का सा लगा दिया और इसको मैं इस तरह से कोट कर रही हूँ। बस ये इसको एक प्रेजेंटेबल बनाने के लिए। आप चाहें तो इसको स्किप कर दें या फिर सिर्फ नमक से कर लें, चिली ना डालें। तो ग्लास की जो रिम है वो हो चुकी है कोट अच्छे से, बहुत ही खूबसूरत इस वक्त मेरा ग्लास लग रहा है। अब मैं क्या करूँगी कि इसके अंदर डालूँगी जी मैं आइस, क्योंकि ड्रिंक हो मैंगोज़ का हो और ठंडा ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। आइस क्यूब डालें, और जो मैंने आप लोगों के साथ वो स्पार्कलिंग वाटर बनाया था, अभी सोडा मिक्सचर भी आप इसको कह सकते हैं, वो मैंने थोड़ा सा डाला इसके अंदर। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी जी मैंगो प्यूरी। मैंने एक बड़ा आम लिया, उसको छीला, उसको क्यूब किया और उसको मैंने ब्लेंड कर लिया, और अब वो मैं इसको इसके अंदर डाल रही हूँ मैंगो प्यूरे। बहुत ही मज़े का ड्रिंक बना था, ट्रस्ट में आप लोग ज़रूर ट्राई करना इस रेसिपी को भी। और इसको इस तरह से आप लोग कर देंगे स्टर, उफ बहुत मज़े का ड्रिंक है, ट्रस्ट में बड़े ही मज़े का ड्रिंक है। मैंगो प्यूरी आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं कितना मीठा आप लोगों को पसंद है। एक ग्लास के हिसाब से हाफ कप गई थी मैंगो प्यूरी इसमें, तो आप लोग इस तरह से इसको एडजस्ट कर लेना। और बस हो गया आपका मैंगो मोहितो या मैंगो मार्गरीटा बिल्कुल तैयार। उम्मीद है ये रेसिपी भी आप लोगों को अच्छी लगेगी। प्रीवियसली मेरे दो ड्रिंक्स थे जो कि मैंने शेयर किए आप लोगों के लिए, स्पेशली आप लोगों के लिए बनाए, आप लोगों के साथ शेयर किए, उसका रिस्पांस बहुत ही ज़बरदस्त अभी भी मिलता है मुझे। मुझे उम्मीद है इस ड्रिंक का भी रिस्पॉन्स ऐसा ही मिलेगा मुझे जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियोज़ में मुझे दिया। तो मुझे उम्मीद है ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो इसे एक लाइक ज़रूर देना और मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे तो बहुत पसंद आई, मेरे घर वालों को भी बहुत पसंद आई। आप लोगों ने क्या करना है, मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह ताला एक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगी आप लोगों के लिए, एक और ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप लोगों ने रखना है अपना ढेर सारा ख्याल, और रखना है मुझे दुआओं में याद। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़। रेसिपी को सबसे पहले एक पैन में मैंने ऐड कर दिया है दूध। मैंने टेट्रा पैक वाला मिल्क लिया है क्योंकि वो थोड़ा सा थिक होता है, तो इसलिए मैंने वो लिया है। तो आप लोग कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, जैसी आपकी चॉइस। दूध को आप लोगों ने करना है बॉयल, एक दो दफ़ा बॉयल कर लें। बॉयल करने के बाद फिर इसमें बाकी का जो स्टेप है वो भी हम कंप्लीट करेंगे साथ साथ। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये हमें डिज़र्ट्स क्यों सिखा रही है, बड़ी दारी है तो कहाँ हैं गोश्त वगैरह की रेसिपीज़। वो भी इंशाल्लाह ताला मैंने लाइनअप की हुई हैं, तो जुड़े रहिए, देखते रहिए मेरे चैनल को, आगे वो भी रेसिपीज़ आ रही हैं। तो दूध हो चुका है यहाँ पे बॉयल। अब मैं क्या करूँगी, मैं इसमें ऐड करूँगी राइस फ्लावर। राइस फ्लावर मैंने लिया है। अब इसको मुझे इसको डायरेक्टली तो ऑब्वियसली हम नहीं डाल सकते, तो मैं क्या करूँगी इसी में से थोड़ा सा दूध लूँगी, गरम दूध लूँगी, और इसमें मैं इसको मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी। आप लोग चावल भी ले सकते हैं, लेकिन उसको फिर आप लोग बारीक पीस लेना,
लाइक उसको आप ब्लेंडर में पीस लेना, चावल लेना 2 चम्मच, उसे भिगो देना 10 मिनट के लिए, उसके बाद आप उसको ब्लेंडर में डाल देना, थोड़ा सा पानी ऐड कर देना और वो भी आपकी सेम चीज़ ही हो जाएगी। लेकिन एक्चुअल जो फिरनी बनती है वो चावल के ही आटे से बनती है, तो मैंने राइस फ्लावर ही यूज़ किया है। इसको मैं अब विस्क कर रही हूँ, जो कि राइस फ्लावर और दूध मैंने मिक्स किया था। मेक श्योर इसमें कोई लम्प्स ना हो, वरना फिरनी में लम्प्स रह जाते हैं आटे के, चावल के आटे के लम्प्स ज़रा थोड़े से हार्ड से हो जाते हैं। तो विस्क ले लें एक हाथ में, दूसरे हाथ से आप लोग वो चावल का मिक्सचर जो है वो डालते जाएं, इसको विस्क विस्क करते जाएं। तो थोड़ी देर फिर हम इसको और पकाएंगे। पकाने के बाद क्या होगा कि ये इवेंचुअली जो है ये गाढ़ी हो जाएगी। बेसिकली ये बेसिक रेसिपी है फिरनी की, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने इसको फ्यूजन डिज़र्ट कहना है या फ्यूजन डिज़र्ट हम लोग बना रहे हैं, तो हम लोग इसमें ऐड करेंगे मैंगोज़। अब वो कैसे ऐड करेंगे वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये वाली फिरनी का जो मिक्सचर है मैंने साइड पे कर दिया, और यहाँ पे ले लिया मैंने एक सॉस पैन, उसमें मैंने ऐड कर दी है जी मैंगो की प्यूरी। प्यूरी मैंने इस तरह से ली थी कि 2 मैंने मीडियम साइज़ के आम लिए थे, मैंने चौंसा यूज़ किया था। इस रेसिपी के लिए प्रेफरेबली है कि आप लोग वो जो अनवर अटोल नहीं आता, जो भी होता है उसका नाम, वो यूज़ करें आप, लेकिन वो मुझे नहीं अवेलेबल था, मुझे नहीं मिल सका इजीली, तो मैंने चौंसा यूज़ किया है। उसको 2 आम लिए मीडियम साइज़ के, उसका छिलका उतारा, क्यूब किया, उसको ब्लेंड कर लिया, पानी नहीं डाला था, ठीक है। उसको अब मैंने सॉस पैन में डाल दिया, थोड़ा सा पानी मैं अब ऐड कर रही हूँ, ब्लेंड करते वक्त ऐड नहीं किया था। तो अब मैंने इसके अंदर मैंगो की प्यूरी डाली, थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड कर दिया, इसको मैं पका रही हूँ। बेसिकली हमें प्यूरी को पकाना है, हमें रॉ प्यूरी ऐड नहीं करनी फिरनी के अंदर, तो वो एक अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा। इट्स बेटर कि आप प्यूरी को पहले पका लें। मैंगो की प्यूरी ली और साथ में थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया और इसको मैं पका रही हूँ। अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ, अब मैं इसमें ऐड करूँगी जी चीनी। चीनी आप लोगों, एक चम्मच मैंने डाली, ज़्यादा नहीं डाली। चीनी ऐड कर दी, चीनी ऐड करने के बाद भी मैं इसको पका रही हूँ। पकाते वक्त आप लोगों ने ध्यान रखना है कि ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो उछलती है, यानी कि उबलते वक्त ना ये उछल रही होती है। मतलब उछलने से मुराद कि ये इसके जो बबल्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा बन रहे होते हैं। तो मेक श्योर आप ज़रा थोड़े से फासले पे खड़े हों, क्योंकि वो गर्म गर्म फिर वो बाजुओं पे जो स्प्लैशेस पड़ते हैं, तो फिर तो आप लोगों ने ज़रा केयरफुल रहना है। तो अब ये प्यूरी हमारी पक रही है अच्छे से, इसमें बॉयल्स आप लोग देख रहे हैं कि आ रहे हैं। तो मैंगो प्यूरी ऑलमोस्ट यहाँ पे हो चुकी है गाढ़ी, और अब मैं इसमें ऐड करूँगी मैंगो एसेंस। दिस इज़ टोटली ऑप्शनल, डालना चाहें तो डाल दें, ज़रा इसमें थोड़ा सा अच्छा सा फ्लेवर और खुशबू सी आ जाएगी तो मैं डाल रही हूँ, वरना ये बिल्कुल ऑप्शनल है, मत ऐड करें अगर नहीं है। तो जब आप मैंगो प्यूरी पका रहे हों तो मेक श्योर चम्मच बीच में चलाते रहें, कहीं वो नीचे लग ना जाए। और ये सेकेंड स्टेप भी हमारा हो गया कम्प्लीट। अब आपको मैंगो प्यूरी को अच्छे से ठंडा करना है, ठीक है, गरम गरम नहीं ऐड कर देनी। अब मैं इसे साइड पे कर दूंगी और इसे ठंडा कर लूंगी। वापस आ जाएंगे हम अपने फिरनी पे। फिरनी आप लोग जैसा कि देख सकते हैं कि गाढ़ी हो गई है। इस स्टेज पे मैंने इसमें इलायची का पाउडर ऐड किया था, और अल्लाह भला करे आपका कैमरा मेरा ऑफ हो गया था और वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को इस तरह से बता दूं। इलायची का पाउडर लाजमी ऐड करिएगा। और फिरनी आप लोग जैसा कि देख सकते हैं गाढ़ी हो चुकी है, हो रही है बल्कि अभी भी, इससे ज़्यादा मैं इसको गाढ़ा नहीं करूँगी। थिकनेस जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से जो है सेट कर सकते हैं, कितनी गाढ़ी फिरनी चाहिए आपको, कितनी पतली चाहिए, तो वो मैं आप लोगों पर छोड़ती हूँ। तो फिरनी यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारी गाढ़ी हो गई है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क में मैंने अभी थोड़ा सा आपके सामने देखे, मैंने थोड़ा सा बचा लिया कि कहीं ज़्यादा मीठा ना हो जाए, क्योंकि इन दी एंड हमें इसके अंदर मैंगो प्यूरी भी ऐड करनी है। तो मैंने यहाँ पे टेस्ट कर लिया था एक दफ़ा, तो इसके बाद आप लोग देख के कंडेंस मिल्क डालिएगा। लेकिन जितनी क्वान्टिटी मैं मेंशन कर रही हूँ वो पूरी क्वान्टिटी चली गई थी।
अगर फिर भी आप लोगों को लगता है कि इसमें मीठा कम है तो आप लोग इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं। चीनी ऐड करने के बाद इसको आप थोड़ा सा और पका लीजिएगा, क्योंकि चीनी ऐड करने के बाद हल्की सी पतली सी होती है, जैसे कि चीनी अपना पानी छोड़ती है। तो चीनी ऐड करने के बाद आप इसको पका लीजिएगा, लेकिन मैंने सिर्फ कंडेंस मिल्क डाला है, मैंने चीनी ऐड नहीं की। ये बस मैं आप लोगों को एक ऑप्शन दे रही हूँ कि अगर आप लोग चीनी ऐड करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। अब फिरनी हमारी हो गई तैयार। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको अच्छा ठंडा करना है, कम से कम इसको एक डेढ़ घंटा ठंडा आपको लाजमी करना है, क्योंकि जब तक ठंडी नहीं होगी हम इसमें मैंगो प्यूरी ऐड नहीं कर सकते। तो मेक श्योर आप इस फिरनी को ठंडा करें। अब दो घंटे बाद आप लोग देखेंगे, मैंने इसको दो घंटे ठंडा किया था, और ठंडा करने के बाद ये देखेंगे काफ़ी अच्छी माशाल्लाह से ठीक ठाक थिक हो गई, जो कि फिरनी की कंसिस्टेंसी होती है, ये थिक हो चुकी है। अब जो मैंगो की प्यूरी थी ना, उसे मैंने छान लिया था। छानने से क्या होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और अच्छी सी हो गई, तो आप लोग भी छान लीजिएगा। अब ये मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी थोड़ी करके। मैंगो प्यूरी भी जब आप ऐड करें तो प्लीज़ एकदम से सारी ऐड नहीं करनी है, थोड़ी थोड़ी ऐड करें और साथ साथ टेस्ट कर लें आप लोग कि कितना आप लोगों को फ्लेवर पसंद है मैंगो का। लेकिन मैं अब यहाँ पे सारी ऐड कर दूँ, क्योंकि मैं साथ साथ इसको टेस्ट कर रही थी, तो मेरे हिसाब से ये दो आम की जो प्यूरी है ये चली गई है इसमें, और मीठा भी बिल्कुल नॉर्मल था, ज़्यादा मीठी नहीं हुई थी। इवन कि हम लोगों ने इसमें कंडेंस मिल्क ऐड किया था, लेकिन इतनी मीठी नहीं हुई थी। तो आप लोग प्लीज़ मैंगो प्यूरी जो है वो देख कर ऐड कीजिएगा। मैंगो प्यूरी और फिरनी दोनों ठंडी होनी चाहिए। मेरी मैंगो प्यूरी भी ठंडी थी और फिरनी भी ठंडी थी, और मैंगो प्यूरी मैंने इसमें सारी डाल दी है, और अब मैं इसको अच्छे से कर रही हूँ विस्क। अब यहाँ पे इसको बारी आती है सर्व करने की, तो मैंने यहाँ पे ग्लासेस ली हैं, ट्राइफल कप्स भी जिसे आप लोग कहते हैं वो ली हैं, उसमें सर्व करूँगी, और एक मैंने बड़ा सारा बाउल के लिए हैं जो भी, उसमें सर्व किया। सर्व आप किसी चीज़ में भी कर सकते हैं। आप लोग इसको ईद के लिए, डिनर के लिए भी, मीठा तो एक हम लोग रखते ही हैं ना, तो मीठे के लिए ये भी सूटेबल है, और इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो आई होप आप लोगों को आज की मैंगो फिरनी की रेसिपी अच्छी लगी होगी, और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करें तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। और अगर हो सके तो एक पिक्चर लें और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें, वहाँ पे मेरे साथ आप लोग शेयर भी कर सकते हैं जो रेसिपीज आप लोग मेरी बनाई हुई आप लोग ट्राई करें। ठीक है, इंस्टाग्राम का लिंक यहाँ पर आ रहा होगा, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आई होप आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान है। और एक चीज़ और मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं मैंगोज़ को फ्रीज़ कर लेती हूँ, मैंगोज़ का छिलका उतारती हूँ, उनको क्यूब्स बनाती हूँ और डब्बे में भर के मैं उसको फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो जब मैंगो का सीज़न ख़त्म हो जाता है मैं तब भी यूज़ करती रहती हूँ मैंगोज़ को, लाइक शेक में हो गया, या फिर फिरनी बना ली, या फिर और मैंगो की जो रेसिपीज़ होती हैं वो बना ली। तो इस तरह से मैं फ्रीज़ भी कर लेती हूँ मैंगो को, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूँ। यहाँ पे मैं इसको अब कर रही हूँ डेकोरेट मैंगो के क्यूब्स के साथ। तो फिरनी मैंने कर ली है डेकोरेट, आप लोग जैसे मर्जी करना चाहें इसको कर सकते हैं। इजी सी रेसिपी थी, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करना और मुझे बताना आप लोगों को कैसी लगी। अब इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल कर दूँगी पिस्ते और बादाम, थोड़े थोड़े मैं इसमें स्प्रिंकल कर दूंगी पिस्ते और बादाम। रेसिपी पसंद आए या वीडियो अच्छी लगे तो इसे एक लाइक ज़रूर देना, और आप लोगों ने क्या करना है, मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करते साथ साथ ही बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँच जाएँ। और बस आज की वीडियो होती है ख़त्म। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना, मुझे बताना कैसी लगी आप लोगों को यह रेसिपी। ठीक है, मैं फिर आप लोगों के साथ मुलाकात करूँगी ईद स्पेशल रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए आप लोग रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए, बहुत सारी दुआएं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलूँगी, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।
और बनाएंगे हम लोग 3 डिफरेंट फ्लेवर्स में, मैंगो लस्सी बनाएंगे। और पी को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, एक बड़ा बर्तन ले लें आप, कोई भी बाउल ले लें, कुछ भी ले लें। अगर आप लोगों के पास चाटी है तो क्या ही बात है, मिट्टी की जो होती है। उसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे दही। दही जो है आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि खट्टा ना हो, घर का ले लें, टेट्रा पैक ले लें, जो भी ले लें। टेट्रा पैक दही होता है वो मीठा होता है, लेकिन अगर आप लोग का दही खट्टा है तो उसके अंदर चीनी ऐड कर दें। इसमें मैंने दूध ऐड किया और ठंडा पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया 1 ग्लास। चीनी इसमें 2 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ, आप दही के हिसाब से चीनी ऐड कीजिएगा, खट्टा है तो ज़्यादा चीनी डलेगी। अब इसके अंदर मैंने डाल दिया है इलायची का पाउडर, इससे बहुत ही मुनफरिद इसका फ्लेवर हो जाएगा। और इसमें ऐड कर दी है आइस क्यूब्स, क्योंकि लस्सी जितनी ठंडी होगी उतना ही अच्छा इसका फ्लेवर होगा। और अब हम इसको इस तरह से चलाते हुए इसको हम फेंट लेंगे। इस तरह की एक आप लोगों को स्पून मिलता है जो कि सिर्फ लस्सी के लिए होता है, इस तरह से घुमाते घुमाते हम इसको चला लेंगे। तो ये बेसिक रेसिपी होती है स्वीट लस्सी की, मीठी लस्सी की, जो कि हर घर में गर्मियों में बनती है। और गर्मियों में कोई लस्सी ना पिए ऐसा हो नहीं सकता। तो इस तरह से हम लोग लस्सी को फेंटते जाएंगे, बेसिकली इसको रिड़कना कहते हैं, आई गेस पंजाबी में कहते होंगे। इस तरह से जब आप इसको मिक्स करते जाएंगे तो उसके ऊपर एक बड़ी ज़बरदस्ती झाग आती जाएगी। तो दैट इज़ योर बेसिक स्वीट लस्सी। तो लस्सी को अच्छी तरह से मैंने यहाँ पे बीट कर लिया है और ये आप लोगों की बेस रेसिपी लस्सी की, स्वीट लस्सी की हो जाएगी तैयार। अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे 3 ग्लासेस में। तो इस तरह से एक पिचर ले लिया है और स्टार्ट हम लेंगे मैंगो लस्सी से। तो 1 ग्लास लस्सी का मैंने इस तरह के एक बड़े से जग में डाल लिया है। इसमें ऐड कर रही हूँ मैंगो की प्यूरे, सिंपली मैंगो को ब्लेंड करके छान लिया था। तो प्यूरी आपकी रेडी हो जाएगी और एक विस्क की मदद से अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर दूंगी। थोड़ा सा मुझे कलर कम लग रहा था तो येलो फूड कलर का मैंने इस्तेमाल किया है, आप लोग ना डालना चाहें तो ना डालें। मुझे कलर में ज़रा थोड़ा सा इसको ब्राइट चाहिए था तो मैंने येलो फूड कलर ऐड कर दिया है। एंड दैट सेट, आप लोगों की मैंगो लस्सी हो जाएगी बिल्कुल तैयार। अगर आप लोगों को मीठा ज़्यादा पसंद है तो इस स्टेज पर आप लोग चीनी को पीस कर वो भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको मैं गार्निश कर लूँगी पिस्ताशियो से और आलमंड से कि अच्छा लगे, प्रेजेंटेबल लगे। और ऊपर मैं इस तरह से स्टिक्स पे मैंने मैंगो के क्यूब से उनको लगा दिया था ताकि पता रहे कि ये मैंगो लस्सी है। और मैंगो लस्सी यहाँ पे 1 लस्सी के फ्लेवर से हम लोग हो चुके हैं बिल्कुल फारिग, मैंगो लस्सी हो। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो हमें चाहिए होगा एक ब्लेंडर जिसमें ऐड कर दिया है मैंने मिल्क, जो कि चिल्ड है यानी कि ठंडा दूध है। इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ 1 कप ऑफ मैंगोज रफली चॉप्ड। मैंगो जो मैंने यूज़ किया है वो गुड क्वालिटी है, मतलब कि राइप मैंगो है, तो वो मैंने यूज़ किया है। आपके पास जो भी मैंगो अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं मैंगो आइसक्रीम, जिसके मैंने स्कूप पहले ही से बना कर रख लिए हुए हैं। अगर आप लोगों को मैंगो आइसक्रीम नहीं अवेलेबल या नहीं मिल रही तो आप लोग इसकी जगह वैनिला आइसक्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने 2 स्कूप इसके अंदर ऐड किए हैं मैंगो आइसक्रीम के। इसको करूँगी अच्छी तरह से ब्लेंड। ब्लेंड करने के बाद आप लोगों को मैं दिखा भी देती हूँ कि ब्लेंड करने के बाद एक थिक सा मिल्क शेक टाइप एक चीज़ बन जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये ब्लेंड हो गया है। अब हम क्या करेंगे, एक सर्विंग ग्लास ले लेंगे, उसमें ऐड करेंगे चॉप्ड मैंगोज और इसके साथ साथ मैं इसमें ऐड कर दूंगी कुछ ड्राई फ्रूट्स, नट्स यानी कि आलमंड्स एंड पिस्ताशियोज, जिनको मैंने लंबाई में काट लिया था। थोड़े से इसमें मैं ऐड करूंगी टूटी फ्रूटी, ये जो वही टूटी फ्रूटी है जो हम लोग जर्दे में भी ऐड करते हैं। तो ग्रीन और रेड टूटी फ्रूटी इसके अंदर चली गई। अब मैं इसमें ऐड करूंगी जो मिल्क शेक हम लोगों ने थिक सा बनाया था। अगर आप इसको ठंडा पसंद करते हैं, चिल्ड पसंद करते हैं, तो आप ब्लेंडिंग के दौरान इसके अंदर आइस ऐड कर दीजिएगा ढेर सारी और फिर इसको बनाइएगा। मैंने आइस नहीं ऐड की है, मुझे इतना ठंडा काफ़ी था। अच्छा, अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है मैंगो प्यूरे, साइड्स पे इस तरह से ऐड कर रही हूँ ताकि जब ग्लास की साइड से फिर ये नज़र आए खूबसूरत लगता है। तो 1 टेबलस्पून से लेकर 2 टेबलस्पून तक जितनी आप इसके अंदर मैंगो प्यूरी ऐड करें और दोबारा से थोड़ा सा मिल्क शेक इसके ऊपर ऐड करें और फिर इसके ऊपर आप लोग रख देंगे 1 स्कूप आइसक्रीम का और इसके ऊपर दोबारा से टूटी फ्रूटी ऐड करेंगे हम लोग, रेड और ग्रीन वाली, और आलमंड्स एंड पिस्ताशियोज ऐड करेंगे, अच्छा सा गार्निश करेंगे इसको। आपकी मैंगो मस्तानी हो गई है बिल्कुल तैयार। बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही अच्छा बनता है। आप लोगों ने इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है, फीडबैक मेरे साथ शेयर करना है। वीडियो अच्छी लगे इसको एक लाइक देना है, चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हैं तो। उसके लिए बहुत सारा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू ट्राई
ट्राई आउट दिस रेसिपी, बहुत मज़े की बनती है, आप लोगों को पसंद आएगी ये ज़बरदस्त सी मैंगो मस्तानी की रेसिपी। फिर मिलते हैं आप लोगों से एक और ज़बरदस्त सी क्विक एंड ईजी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।